अरे क्या हो गया निक्कू भैया, क्यों फेंक रहे हो चीजें सारी की सारी? अरे क्रेटा गाड़ी है, बेस्ट मॉडल आती है, कंपनी कुछ भी नहीं लगा के डब्बा सा दे देता है। तो निक्कू भैया कैसे हो आज? मेरे को ये बताओ कौन सी गाड़ी है, कहाँ से आई और क्या क्या काम हुआ है? ये अपने पास पंजाब से गाड़ी आई है, ठीक है, क्रेटा ई मॉडल है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट मॉडल क्रेटा है, ठीक है, इसको हमने टॉप में कन्वर्ट किया है। फ्रंट से बताओ क्या क्या हुआ क्या फ्रंट से? सबसे पहले आप देखोगे तो ओरिजिनल हुंडई जेन्युइन डीआरएल का, ठीक है, जो मिसिंग होता है बेस मॉडल में नहीं आता, ठीक है, अब इसमें बेस मॉडल में प्रॉब्लम आता है उसको हटा के हमने डीआरएल इंस्टॉल कर दिया इसमें, ठीक है। इसके अलावा देखो हमने टॉप मॉडल वाले इसमें ग्रिल लगाया है, ब्लैक क्रोम में नहीं? हाँ ब्लैक क्रोम में, टॉप मॉडल में यही ग्रिल आता है। अगर देखोगे तो बेस मॉडल में मैट ग्रिल आता है, ठीक है, ठीक है। तो एक होता है पेंटेड पीस होता है, एक जेन्युइन हुंडई का पार्ट होता है, ठीक है, जेन्युइन हुंडई का टॉप मॉडल वाले ग्रिल है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो हेडलाइट में ना कंपनी से हैलोजन आता है, हमने इसके इंस्टॉल कर दिया 180 वाट का डीएससी ब्रांड का एलईडी, ठीक है, जो अपना 180 वाट में, ठीक है। इसका ऑप्शन अपने पास टॉप मॉडल का भी हेडलाइट आप लगवा सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल टॉप बनानी है तो, लेकिन हमारा कहना है कि हेडलाइट में प्रो नहीं है। ये 180 360 होगी, 360। अच्छा चलो सही यार, तो 360 वाट लगी है यहाँ पे। रिले वगैरह लगती है अंदर कुछ इसमें? नहीं कुछ नहीं लगता है, मेरे पास जो एलईडी आता है एलईडी के साथ रिले के कैनवस के साथ आता है, कैनवस के साथ आता है, तो भाई बीच में ना कोई रिले वगैरह लगेगी। और मेन चीज ये अगर आपको लग रहा हो वायर कट तो वो भी नहीं होने वाली है, कपलर टू कपलर होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें लगवा सकते हो, ऑप्शन है कि आगे से फ्रंट का बॉडी किट भी लगवा सकते हो, जो हमारे पास हुंडई का जेन्युइन अवेलेबल होता है, कस्टमर का नीड नहीं था तो उन्होंने इंस्टॉल नहीं करवाया, ठीक है, फ्रंट से आपको डीआरएल का लुक और एलईडी का लुक। एक बार मैं ऑन करवा के दिखा देता हूँ यहाँ से, डीआरएल आपको समझ में आ जाएगी कैसी है कैसी नहीं है। और ये बेस ये देख सकते हो यहाँ से, ये था बेस मॉडल, इसमें ना डीआरएल लगी यहाँ पे। और एलईडी का भी रिस्पांस दिखा दूँ, दिन के ना 5 बज रहे हैं यहाँ से, आपको दिख रहा होगा कि भाई एकदम बढ़िया जो रिस्पांस है यहाँ पे अपना दिखने लग रहा है। तो 360 वाट जो है अपनी ऊपर यहाँ पे नीचे एलईडीज लगी है और यहाँ पे डीआरएल, ठीक है। इसकी कितनी वारंटी बताई आपने? 2 साल की आती है। जब साइड की तरफ चले तो साइड की तरफ देखो, जब तक गाड़ी में आप कितना भी मॉडिफिकेशन करवा लो कितना भी कुछ लगवा लो, जब तक आप अलाया नहीं लगाते तब तक गाड़ी का लुक नहीं आता, बिल्कुल सही बात, ठीक है। इसमें हमने जो अलाया लगा हुंडई जेन्युइन इनलाइन का लाया 18 इंच है, ठीक है। हुंडई का जो नया मॉडल इनलाइन जो क्रेटा आई है उसकी लाया प्रॉपर, हमने बेस मॉडल में इंस्टॉल किया, तो ऐसे दिख रहा होगा भी 18 इंचेस में आते हैं इनलाइन, आपको पता होगा ये वाले जो वेरिएंट से थोड़ी सी ऊपर है, वैसे तो स्पोर्ट्स में आती है बट फिर भी आप इसमें लगा सकते हो ये, बिल्कुल। और 18 वैसे जो अपनी टॉप मॉडल थी उसमें 18 ही आते हैं? नहीं, टॉप मॉडल में एसएक्स में 17 इंच ही आते हैं, 17 आते हैं, 18 इंच आपको क्रेटा हुंडई में सिर्फ इनलाइन में 18 निकाला है, ठीक है। इनलाइन वाले अलॉय व्हील्स लग चुके हैं अपने सिंपल वाले, ठीक है, ये चीज भी है। इसके अलावा हमने इसमें यहाँ पे इंडिकेटर आता है, इसको हटाकर हमने इसमें बैंड इंस्टॉल कर दिया। इसके अलावा देखोगे तो मिरर इसमें डंडी आती है, मिरर फोल्डिंग कुछ नहीं था, हमने इसमें मिरर फोल्डिंग 1 लॉक पिन 1 टच 1 टच। अच्छा रिले के साथ हो चुका है, रिले के साथ हो चुका है, मिरर चेंज होता है, ठीक है। तो रिले में कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया, पडल लैंप के साथ आता है, पडल लैंप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो है, काफी सही है, मतलब ये फीचर भी अच्छा है पडल लैंप पे। रात अभी तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा बट रात को अगर आप देखोगे तो नीचे बराबर रोशनी आती है पूरी, है ना? हाँ जी भैया बताइए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिरर लगाया इसमें 360 के साथ, आपको दिख रहा होगा पडल लैंप भी है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन होता है ना, जैसे कि मैं बता दूं बिल्कुल टॉप बना दो, इसमें साइड स्किप प्लेट हमने लगाया इंस्टॉल किया, ठीक है। देखोगे आपको दिख रहा होगा ग्रे कलर का, बिल्कुल यहाँ से देखो ये ना ब्लैक कलर और यहाँ पे ग्रे कलर का, टॉप मॉडल में ग्रे आता है, ठीक है, ठीक है। तो कस्टमर का नीड था कि मुझे स्किट प्लेट लगानी है, ठीक है, तो मैच करेगा तो इन्होंने बिल्कुल हटवा के प्रॉपर हुंडई का स्किट प्लेट चेंज होता है इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो आप अपने हुंडई का वाइजर ले सकते हो हमारे पास, बिल्कुल, हुंडई का विंडो गार्निश ले सकते हो, बिल्कुल, जेन्युइन हैंडल ले सकते हो, बिल्कुल, ठीक है, साइड फुटेज जेन्युइन ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। बाकी साइड प्रोफाइल से इनको ब्लैक रखना था तो कोई क्रोम का काम नहीं करवाया, ठीक है, नहीं तो क्रोम भी यहाँ पे लग सकता है जेन्युइन। रूफ रेल्स लगाई है इसमें? वाटर लीकेज का तो इशू नहीं आता कोई? नहीं बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर लीकेज नहीं होगी, आप ये पेच वाले कई लोग डबल टेप से भी लगाते हैं बट पेच वाला क्या रहता है कि वो एकदम परमानेंट काम हो जाता है, एक बार ही होता है ना, वो चीज है। ठीक है, यहाँ से शार्क फिन एंटीना भी लग गया, ये दिख रहा होगा, जेन्युइन है, मार्केट वाला नहीं है कि 400 वाला चिपकाने वाला लगा रहे, वो नहीं है अपने पास, जेन्युइन, ठीक है। हुंडई का ये भी इन लाइन के स्पॉइलर अपने पास अवेलेबल, वो ले सकते हो आप। अच्छा इसमें नहीं लगे, इसमें नहीं लगा बट ले सकते हैं, ले सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा बाइपर इंस्टॉल करवा सकते हो आप टॉप मॉडल वाला, ठीक है, फॉगर के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो हमने इसमें रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल कर दिया, मैट्रिक्स देख रहे हो, मैट्रिक्स स्टाइल वाली आपको रिफ्लेक्टर लाइट मिलती है। टॉप मॉडल आते हैं उसमें कनेक्टेड टेल लाइट्स पीछे अलग आती है, डिफरेंट अलग, तो वो भी लगवा सकते हैं, बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, 3 पीस भी लगवा सकते हो, आपको कोने कोने का चाहिए वो भी ले सकते हो। तो भाई आप लोगों को ना कई बार लगता होगा सेम आती है बट सेम नहीं आती, टॉप मॉडल और बेस मॉडल में अलग होता है, उसमें एलईडी में आता है, एक्जेक्टली एच बना हुआ आता है जब चलता है, बिल्कुल ये फर्क है, तो ये चीज भी आप लोग देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ पीछे भी दिखा दूं, 360 कैमरा लगा है तो यहाँ पे भी अपना पीछे कैमरा है, और एक बार बूट स्पेस में देखते हैं क्या कुछ है। इसके अलावा देखो कंपनी से जो ग्रिल लग के आता था ये था, बिल्कुल, बिल्कुल इसको हटा दिया, ठीक है, सब कुछ हटा दिया इसमें जितने था। तो भाई वो कस्टमर की डिमांड है, उनको लेके जाना तो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, पार्सल जेन्युइन हुंडई का इंस्टॉल कर दिया इसमें, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपना साइड प्रोफाइल से बस यही काम था,
बाकी अपना अंदर का था। अब इंटीरियर में चलते हैं, निकू भाई इधर से आ जाओ, मैं उधर से लेके चलता हूं। इन्हें सॉफ्ट टच करते हैं जो क्रेटा के अंदर। इसके अलावा देखो अपना इनर हैंडल चेंज है। इसके अलावा मिरर फोल्डिंग करते हैं, यहां पे डंडी है तो उसको हटा कर मैं टूटे सेस स्टूटर सेस लग चुकी है। इसके अलावा सेम डोर पैनल में कटिंग करके मिरर फोल्डिंग वन टच में फिनिशिंग देख सकते हो आप। अच्छा कटिंग करी है? बिल्कुल कटिंग नहीं रही है, कटिंग ऐसा लग रहा है जैसे ओरिजिनल वही गत्ता ही हो। पैनल ही चेंज हो, यहां से देख सकते हो। जिनको पैनल चेंज कराना, पैनल चेंज पैनल भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल जिनको कटिंग करके लगाना, पैसा वर्थ वाली बात है क्या? पैनल चेंज करवाते हैं क्योंकि एक तो पार्ट आपका चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और ये नए कि नहीं आपकी गाड़ी का होता है कोई पता नहीं, मतलब ठीक है यहाँ पे एकदम वैसे एकदम स्नग फिट लग रही है तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। इसके अलावा देखोगे तो अपने पास 6 एयरबैग वाला टॉप मॉडल का सीट कवर, कहीं से कोई रिंकल नहीं, रिंकल फ्री सीट कवर है। और जितना भी सीट कवर की क्वालिटी देखो, जितना सॉफ्ट होता है उतनी अच्छी सीट कवर होता है। बिल्कुल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और जो अपने ये मैं आपको बताऊँ, एयरबैग वाले होते हैं उनका साइड से जो ये वेलक्रो लगा रखा है यहाँ पर, बिल्कुल वेलक्रो लगा, साइड में वेलक्रो लगा है। नहीं तो वैसे मतलब ठीक है, वेलक्रो वाले ज्यादा सेफ रहते हैं कि अगर सीट कवर इधर भी एयरबैग होते हैं तो खुलेंगे तो यहाँ से खुल जाएंगे आपके। मटेरियल कौन से निकल भाई? मटेरियल बहुत प्रीमियम क्वालिटी, इससे ऊपर कोई सीट कवर नहीं है। ठीक है प्रीमियम क्वालिटी, बाकी एक बार आपने कॉल करके पूछ लेना। आर्मरेस्ट यहाँ पे ओरिजिनल, मतलब पहले से ही है। कस्टमर का नीड था कि मेरे को ये नहीं हटवाना है। अच्छा तो इन्होंने नहीं लगवाया, ये ओरिजिनल कंपनी से हुंडई से आता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। इसके बाद अपना सीट कवर आगे से पीछे तक सेम क्वालिटी में सीट कवर होने वाला है, दिख रहा है। इसके अलावा देखोगे तो हमने इसमें बीएस मॉडल में ना टच आती है, ठीक है, ना स्पीकर आता है, ना स्टीयरिंग आता है, ठीक है, ना क्रूज आता है। हमने इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल हुंडई जनरल पार्ट लगा दिया, ठीक है। क्रूज कंट्रोल भी वर्किंग के साथ जनरल हुंडई का लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा स्टीयरिंग रैप भी हमने जिगजैग वाला कर दिया था कि अब स्टीयरिंग रैप तक तो पता नहीं चलेगा कि बाहर से स्टीयरिंग रैप। मैं आपको दिखाता हूं, अगर लोकल होता है ना तो यहां से जब आप करोगे तो मतलब हिलने लग जाता है, बट यहां से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तो ये चीज है कि जैसे जेन्युइन आता है हुंडई की तरफ से, डिटो वैसा का वैसा। बिल्कुल अपना काम है हुंडई जेन्युइन का जो हम करते हैं। और ये बात भी सुनो, हुंडई जेन्युइन पे 28% डिस्काउंट है हमारा। अच्छा 28% डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको। तो बीच में स्क्रीन लगा रखी हमने लगाई है, बिल्कुल हमने ब्लू पंखा स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया इसमें, वायरलेस है, वायरलेस कार्पेल दो काम मेरे से बचा हुआ, सिर्फ एक सनरूफ और एसी क्लाइमेट। ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आने वाला समय में जरूर हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, ये बीच वाली चीज हो जाएगी। क्रूज कंट्रोल भी एक्टिवेटेड है, बिल्कुल एक्टिवेट। यहाँ से आप देख सकते हो क्रूज भी जो है, अगर आपको दिख रहा होगा इधर तो यहाँ से क्रूज भी है। तो कंपनी की तरफ से आया था कि आपने करा है? ये मैंने किया, बेस मॉडल में कंपनी की तरफ से नहीं आता कुछ। तो क्रूज बेस मॉडल में कंपनी चार टायर और एक स्टीयरिंग एक डब्बा देती थी क्रेटा को, तो मतलब टॉप बिल्कुल टॉप हम बनाते हैं। ठीक है तो भाई ये देख सकते हो आप, इंटीरियर से भी काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो प्रॉपर थाई सपोर्ट मिलता है आपको यहाँ पे पूरा, मतलब अंदर अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो फोम यहाँ पे भर रखा है, फोम के बाद जो बढ़िया एकदम आ रखा है। और भाई एक चीज बताओ ये कि जैसे मतलब मैंने सुना है कि सीट कवर थोड़े दिन बाद ना मतलब स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है उनमें। या देखो अच्छे शॉप से काम करवाते हो, अच्छे जगह से काम करवाते हो, जो बंदा जिस गाड़ी का फेमस है उससे काम करवाते हो तो आपको कभी नहीं हुआ। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होता है, क्वालिटी होता है। स्मेल आ गया, पापड़ी छिल गया, क्रैक आ गया, आप सीट कवर लाके चेंज करवा सकते हो। अच्छा क्या कुछ गारंटी वारंटी रहती है? 5 साल की गारंटी होता है, ये नहीं कि लाइफ टाइम। लाइफ टाइम वो बोलते हैं जिनको गारंटी आगे देना नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ क्रैक हो गया, स्मेल कर गया सीट कवर, तो आप डायरेक्ट सीट कवर लाके चेंज करवा सकते हो। हुंडई के कुछ भी पार्ट होता है, कुछ खराब होता है तो आप डायरेक्ट आके चेंज करवा सकते हो। तो भाई इससे बड़ी बात क्या होगी, मेन चीज ये है कि भैया क्रेटा में सबसे ज्यादा भैया ही बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार मैं आपको अंदर भी दिखा दूंगा, नाना करते भी यहाँ पे कम से कम 7-8 क्रेटा भी पीछे होने लगे, 2-3 क्रेटा होकर चली भी गई हो, 5-6-7 क्रेटा खड़ी भी हो। ठीक है तो भाई ये थी अपनी इंटीरियर कुछ। भैया एक बार ना अपना एड्रेस भी बताओ मेरे को और अपना फोन नंबर सारी चीज। भैया देखो ऐसे बेस्ट टू टॉप करानी है क्रेटा हो चाहे सेल्टोस हो तो निकू कार डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड करोलबाग, नंबर है 7070705999। ठीक है। अच्छा निकू भाई एक चीज बताओ, बेसिक सा अगर किसी को काम कराना हो, बेस टू टॉप नहीं बोलते, कोई अपनी बेस गाड़ी ले आता है उसको बस म्यूजिक सिस्टम चाहिए थोड़ा बहुत चीज सीट कवर, तो आप कितने में कर दोगे? बेसिक सा स्टीयरिंग, देखो क्रेटा कोई भी बेस लेगा सिस्टम 4 स्पीकर लगवाएगा ही लगवाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, स्टीयरिंग क्रूज लगवाएगा ही लगवाएगा, सनग्लास होल्डर लगवाएगा ही लगवाएगा, बिल्कुल, मोटा मोटी 50,000 तक मतलब इसमें हो जाएंगे सारा होता है। तो भाई आप लोग ला सकते हो यहाँ पे, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा सही रेट्स हैं भैया के। और एक चीज और कि अगर मैं मानता हूँ कि भाई कोई डॉक्टर चीज का फेमस हो तो उसका इलाज ज्यादा अच्छे से, तो इन लोगों ने ना क्रेटा में पूरी PhD कर रखी है, और तो और जो पुरानी वाली क्रेटा है उसको नए में भी कन्वर्ट रखा है ना, नए में भी। तो ये चीज है कि आप लोग करवा सकते हो आके, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा भैया को, और हमारी एक जो रील है वो भी आप एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको पीछे की तरफ। मैंने पीछे का नहीं दिखाया आपको सीट कवर्स कैसे कुछ है, यहाँ से आप देख सकते हो ये अपने यहाँ पे प्रॉपर जो है स्टिचिंग हो रखी है, इधर देख सकते हो परफोरेटेड सीट्स लगी हुई है, वेंटिलेटेड भी हो जाती है क्या? बिल्कुल क्रेटा से, तो मेरे से हाई, देखो इसमें तो हाई एडजस्ट वाली इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, मेरे से क्रेटा के अंदर मैंने क्या बोला, सिर्फ दो काम छोड़ के इलेक्ट्रिक सीट लगा लो, वेंटिलेटेड सीट चालू करवा लो, सारा कर सकते हैं, ठीक है, करके दिखा भी चुके हैं। चलो ये परफोरेटेड है,
फिटेड भी करवा सकते हैं, और अगर आपकी मर्जी है तो इसमें। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ आपको पीछे एक बार, ये दिख रहे होंगे आपको प्रॉपर जो स्टिचिंग है वही है, पीछे भी अपने परफोरेटेड है। यहाँ पे जो है आप लोगों को इधर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें बोतल होल्डर वगैरह भी जो है आप आराम से रख सकते हैं। बाकी ये थी अपनी हुंडई क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट वाली, कैसी लगी मुझे लिख के बता। तो निकू बे गाड़ी का नंबर कैसे चेंज हो गया, वो तो पंजाब नंबर थी यार, ये पंजाबी हमारी दूसरी क्रेटा है। अच्छा दूसरी क्रेटा है क्या, नंबर यहाँ पे देखो उसमें ग्रिल लगा था, इसमें ग्रिल नहीं लगा, ठीक है। इसमें डीआर इंस्टॉल करा है, इसी सेम हेडलाइट में एलईडी लगा, सेम ब्रांड का, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें एक यूनिक चीज दिखाता हूं, मैं तो सब दिन दिखाता हूं बेस्ट टू टॉप, एक यूनिक चीज दिखाता हूं जिसका मजा आप ले सकते हो। हमने इसमें बूफर इंस्टॉल किया है। अच्छा ये क्या है, अरे वाह। तो भाई जिनको होती होगी ना अगर स्पेस की दिक्कत की, हमें मतलब धूम धूम भी चाहिए बट स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, हाँ। तो उन लोगों के लिए, इनके लिए मात्र तीन गाड़ी का आता है। अच्छा एक थार, सेल्टोस नीवल और क्रेटा। भाई यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक, मतलब आप ऐसे देख के बता नहीं सकते, जितना आपका ये पोर्शन है ना उतने पे ही अपना जो है यहाँ पे बेस ट्यूब लग चुका है। बिल्कुल बेस का मजा ले सकते हो, बहुत बना हुआ साउंड और क्लासिक साउंड आता है, मतलब ऐसा है कि जिसको अंदर अंदर के लिए सुनना है उनके लिए बेस्ट है ना, बिल्कुल बेस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि धूमधड़ाके वाले, जिनको टॉप मॉडल का साउंड चाहिए ना, हाँ उनके लिए बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये जो हमने कंपनी फिटेड आता है ना ओईएम डिटो ऐसी साउंड देने वाला है, तो ये चीज है कि कई बार ना घर वाले इशू करते हैं कि नहीं यार पीछे मत रखवा बेस ट्यूब स्पेस खराब हो जाएगी, तो उन लोगों के लिए बेस्ट चीज है ना। इसके अलावा देखोगे तो अपनी तीसरी क्रेटा थी, इसके बाद देखोगे तो अपनी तीसरी क्रेटा हो रही, सेम काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो चौथी क्रेटा अपनी हो रही, इसके बाद देखो पांचवी क्रेटा अपनी ये रही, दो तीन क्रेटा जा चुकी है, इस बाद एक ये रही स्कॉर्पियो। मतलब कुल मिला के क्रेटा में मीटर खींच रखा है हमने, शुरू से नहीं, शुरू से ही जब 2020 में क्रेटा निकली थी सिल्वर पल्स से। तो भाई भैया ने तो जो पुराने वाली थी मैंने बताया, नई वाली में भी कन्वर्ट कर दिया तो है ना, तो वाली चीज भी है। खैर हम लोगों ने एड्रेस बता दिया था, आप लोगों ने देख लिया क्रेटा को बेस टू टॉप बनाने। देखो जैसे इसमें साइड में ये लगाया भैया फुटरेस लगाया, तो उस वाली में लगा हुआ नहीं था, आप लगवा सकते हो तो उसमें लाया लगा था, इसमें लाया नहीं लगा था, जैसा आपको काम लगता नहीं जितना काम कराना उतना काम, वो सारा का सारा हो जाएगा। बाकी आप लोग भी आ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा भैया का, कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है।